नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम कृषि उपज मंडी में हैं सीकर में। आप लोगों को पहले ही बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और इसे 19 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है। इसमें से एक पार्टी CPIM भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसने आज यहाँ पे अपनी एक बड़ी आम जनसभा बुलाई है, जहाँ पे किसान, मजदूर और समाज के बाकी जो वर्ग हैं वो इकट्ठा होंगे और अपने जो गुस्सा है उसका मुजाहिरा करेंगे। यहाँ हमने कुछ किसानों से बात की है, सुनिए उन्हें। ये देश किसानों का देश है। यहाँ जंगल काट के खेती करना, किसान ने पहले गांव बसाए, देश को आबाद किया। ये सरकार तो बाद में बनी है, जब आपस की थोड़े बहुत विवाद हुए तो किसान पहले है, सरकार बाद में। तो किसान कानून बने थे, उनके विरोध में हमने 9 महीने से आंदोलन शुरू कर रखा है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव, शहर-शहर तक मतलब हमारा ये आंदोलन चलेगा और फिर पूरे हिंदुस्तान में हमने पूरे हिंदुस्तान में फैला के फिर इस सरकार को झुकाएंगे। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब मजदूर, गरीब आदमी, देहात में रहने वाला, बाहर गांव में सब एक हैं, उसको चेताना चाहते हैं। और जब तक हमारी सांस रहेगा तब तक इन सबसे पहली बात है कृषि कानून का आंदोलन करते रहेंगे, उसका खिलाफत करते रहेंगे। किसान साथ साथ में केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य की जो कांग्रेस सरकार है उसके खिलाफ भी है, क्योंकि जब आज से 3 साल पहले राजस्थान में जब सरकार आई कांग्रेस की, तो एक नारा दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, और साथ साथ में मुख्यमंत्री जो अभी है गहलोत जी, उन तमाम गांव-गांव में जाकर के या जगह जगह किसानों की मीटिंग करके ये कहा था कि किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। राहुल गांधी ने पब्लिक को गुमराह किया था कि कर्ज माफी कर देंगे, 1, 2, 10 तक गिनती की, 10 दिन के अंदर अंदर हम सरकार में आए और आपका कर्ज माफी भी हुई। इस लाल झंडे ने अगुवाई की और लड़ाई लड़के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन माफ किया था, तो ये लाल झंडे की देन थी। वो 27 तारीख के बंद के लिए हर गांव में जाकर के लोगों ने ये तय किया है कि 27 तारीख को हमें ये संदेश देना है कि पूरा जनता की इच्छा के अनुसार बंद हुआ है, किसी के दबाव से नहीं हुआ है। हर किसान, हर मजदूर, हर काम करने वाला आदमी है, जो मेहनत करके कमा के खाने वाला आदमी है, उसने तय किया है कि हमें सरकार को दिखाना है कि ये कृषि कानून और जो मजदूर विरोधी जो कानून बनाए गए हैं, इन सब का हम दिल से विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए 27 तारीख के दिन जहाँ तक हो सकेगा पूरी तरह से स्वेच्छा से, इच्छा से हम बंद रखें। आज किसान की जो हालत है वो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा दयनीय है। आज जैसे अपने ले लें छोटा सा किसान, किसान तो उसे दूध है, एक भैंस पालता है, गाय पालता है, उसका जो खर्चा है, खड़ है, चूरी है, उसकी लागत है, वो उसकी इतनी बढ़ गई और उसका दूध कहाँ बिकता, पानी और दूध बराबर बिक रहे हैं। किसानों ने 27 तारीख का जो है भारत बंद का फैसला किया है। आप लोग अपने गांव में या फिर अपनी तहसील में क्या करने वाले हैं? हम हर जगह जो रास्ता है उन रस्तों को हमने रोकेंगे उसको, और कोई भी साधन बाहर नहीं जाने देंगे, आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, उनका प्रबंध करेंगे हम सब मिलके, महिलाएं, पुरुष, नौजवान, सब मिलकर के, और इसको संपूर्ण बंद करेंगे। और हमने ऐसे आंदोलन पहले भी लड़ा है राजस्थान में, 3 दिन तक हमने पूरे राजस्थान को बंद रखा है। दूसरी तरफ बिजली की रेट जो लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो घरेलू बिजली हो, जो आज 7 रुपए 85 पैसे यूनिट, जो जितनी उद्योगों की भी नहीं उतनी गांव के किसान या जो शहरों में रहने वाले लोग वो चुकता कर रहे हैं। ये बहुत भयंकर लूट है बिजली की, 27 लोग के नाम पे जो इसने 800 रुपया पर मंथ किया है, जो बिजली का खर्च है उससे ये भारी पड़ेगा, जो छोटा परिवार है उसके ऊपर वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो परिवार में 1-2 व्यक्ति रहते हैं बिजली कम खर्च करेंगे लेकिन बिल 2 महीने से आता है, तो 1600 रुपये तो वो 27 लोग के तो आएंगे।
तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसके नाक में दम नकेल डाल के और वापस भी करवाएंगे। मैं थोड़ा स्पष्टता चाहता हूँ, ये 800 रुपए 2 महीने के होंगे या एक महीने के हैं? 800 आप श्योर हैं? हाँ श्योर है, 800 रुपए पर मंथली आएंगे और बिल आता है 2 महीने से, तो 1600 रुपए 2 महीने से बिल में आएंगे। तो ये बहुत ही भयंकर लूट है इनकी। सारे विकल्प करके हमने देख लिए, हमने ज्ञापन दिए, हमने सभाएं की, प्रतिवेदन दिया, आंदोलन किया, फिर भी किसी भी प्रकार से हमारी बात को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और आमादा है सारे कृषि कानून लाने का और मजदूरों के खिलाफ कानून बनाने का और देश को कॉरपोरेट के हवाले करने का जो है, इसके विरोध के लिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हर इस देश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, सब लोग परेशान हैं और हम इन नीतियों का विरोध करते हैं। कॉरपोरेट ट्रस्ट जो नीतियां हैं उनका हम दिल से विरोध करते हैं, इस देश में लागू नहीं होने देंगे। अभी हालात ये है कि मजदूर है वो आज की दिन बंधुआ के रूप में है। आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि वो दर दर ठोकरे खाता फिर रहा है लेकिन उसको रोजगार नहीं है। हम एक एक फैक्ट्री के गेट पे जाएंगे, मीटिंग करेंगे और हमने उन मजदूरों से बात की है, उन तमाम से चर्चा की और उनकी चर्चा ये आई है कि हम इस भारत बंद को ऐतिहासिक भारत बंद बनाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो हमारे ऊपर जुर्म डाला है और जिस तरीके से हमारी शिक्षा कमजोर होने का जो फायदा उठाया है और जो भ्रम फैला के हमारी एकता को तोड़ने की काम कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है किसान की हालत ऐसी होगी कि वो न तो अब उसको नौजवान होती थे, न तो कोई नौकरी का रास्ता, निजी कारण से सब बंद हो गया। अब क्या करे किसान, सब बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ है। तो ऐसी हालत में केवल वो इसलिए जिंदा है कि वो अपना अन्न पैदा करके पेट भर लेता है, वो कर्जा तो भरा है, आज उनके तो हाथ में पेट है, तो उसके लिए भविष्य उसके मानदार। ऐसी हालत के कारण आज बच्चों के न तो कोई शादी ब्याह हो रहे हैं, न कोई रिश्ते हो रहे हैं, क्योंकि सब हालत में मतलब जितनी अंत होगी वो अंत के कगार पर आ गया है। अब केवल लड़ाई के सिवा और किसान के पास रास्ता नहीं है। क्या भारत बंद हमारा अधिकार, भारत बंद इसलिए जरूरी हो गया कि पूरे भारत के किसान हैं और उनके लिए ये कानून बना है, तो पूरा भारत बंद इसीलिए बंद होगा कि ये कानून भी पूरा भारत में लागू होगा तो पूरा भारत बंद होगा। जो पूर्णतः खेती पे आधारित है उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो कर्जे तले दबता दबता जा रहा है, उसका ट्रैक्टर का खर्चा भी नहीं चुका उससे। तो ऐसी हालत में आज हम लोग जो किसान हैं वो बहुत ही परेशान हैं। वो चाहता है कि इन लोगों ने इनका फायदा क्या उठाया कि किसान जो दिन भर खेती में लेता है वो बटा रहता है, तो इसको जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को ये बांटते हैं। कोई पार्टी हो, इन्होंने यही किया, अपनी गुटबाजी जो पैसा वाली ताकतें वो आज हावी हो गई और आम जनता है वो पीसती जा रही है। हर तरह के जो टैक्स हैं, चाहे आज कोई बीमारी कोई भी, वो सारा किसान पे जाएगा। चाहे आपके ऊपर जो व्यापार किसी भी चीज़ में बढ़ा दो, आम उपभोक्ता उस पर लागू कर देंगे, वो तो मर तो हो रहा है। इसलिए जनता के सामने अब लड़ने मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। सीधी सी बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन व्यवस्थाओं को, इस रोग की जड़ ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था की ये जो पार्ट हैं, ये बड़े कॉरपोरेट, बड़े अधिकारी, ये सब मिले हुए हैं, नेता, ये सब इनकी एक साजिश है और आम जनता को ये बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब किसान धीरे धीरे सारी समझ रही है, इन्होंने जो जहर पैदा किया वो सारे जहर दूर हो रहे हैं। हम सब लोग कह रहे हैं कि जो मेहनत करके खा रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, जो शर्म करता है, वो सारे एक हो।